1966 में आज ही के दिन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग को नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम सभापति मोरारजी देसाई थे। इसके अन्य चार सदस्य थे सर्वश्री के हनुमंतैया, हरिश्चंद्र माथुर, जी एस पाठक और एच बी कामत। बी शंकर इसके सदस्य सचिव थे। अंतिम को छोड़कर सभी संसद सदस्य थे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। 1971 में आज ही के दिन पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। जब तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश की वजह से धुल गए तो अधिकारियों ने मैच समाप्त करने का फैसला किया और इसकी जगह पर 6 गेंद प्रति ओवर के साथ प्रति टीम 40 ओवर का एक दिवसीय मैच खेलने का निर्णय लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 5 विकेट से जीता। एक दिवसीय मैच क्रिकेट की एक शैली है जिसमें दो टीमों के बीच प्रति टीम 50 ओवर खेले जाते हैं। क्रिकेट विश्व कप इसी प्रारूप के अनुसार खेला जाता है। 1981 में आज ही के दिन 5 वर्षों में 13 महिलाओं की सिलसिलेवार हत्याओं के लिए संदिग्ध एक 35 वर्षीय वाहन चालक को गिरफ्तार कर पूर्वी ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड इलाके की एक अदालत में पेश किया गया था। पीटर विलियम सेटक्लिफ की पेशी के वक्त अदालत के बाहर करीब 2000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और उसे देखते ही लोगों ने उसे गालियां और धमकियां दी। सेटक्लिफ को एक 20 वर्षीय छात्रा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस को उस पर 1976 से 1981 के बीच सिलसिलेवार हत्याएं करने का शक था। आखिरकार सेटक्लिफ को इन सभी हत्याओं के लिए दोषी पाया गया और उसी वर्ष फरवरी में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1986 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म हुआ था। दीपिका पादुकोण मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं। दीपिका ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की थी। उन्होंने पहली हिंदी फिल्म शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम से सफलतापूर्वक बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म भारत और विदेश दोनों जगह वर्ष की सबसे बड़ी हिट रही। दीपिका ने बाजीराव मस्तानी, पीकू, लव आजकल, ओम शांति ओम, तमाशा, चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी और दीवानी आदि फिल्मों से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। 1993 में आज ही के दिन करीब 85,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा जलयान शेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एमवी ब्रेयर नाम का यह जलयान टैंकर नॉर्वे से कनाडा जा रहा था जब एक तूफान में फंस गया। टैंकर के कप्तान और अन्य सदस्यों को समय रहते हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बचाने की भरपूर कोशिशों के बावजूद टैंकर शेटलैंड द्वीप की चट्टानों से टकरा गया और लगभग सारा तेल उत्तरी सागर में बह गया। तेल के भयानक रिसाव से उस इलाके में वन्य जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। शेटलैंड द्वीप समुद्री वन्य जीवन और पक्षियों के लिए विश्व प्रख्यात है। इस हादसे के बाद करीब 5 करोड़ पाउंड मुआवजे के तौर पर दिए गए थे।